भाई अगर आप खेलते हैं PUBG अपने मोबाइल फोन में, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी 5 एसेसरीज जो अपने मोबाइल फोन के साथ अगर आप यूज करते हैं तो आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर होगा। और ये जो गेमिंग एसेसरीज है मोबाइल फोन की, ये सिर्फ आप PUBG में नहीं, बाकी किसी भी फोन में अगर आप गेम खेलते हैं अपने फोन में तो आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसेसरीज से। और अगर आप अपने मोबाइल फोन में PUBG खेलते हैं या फिर कोई भी गेम खेलते हैं तो डेफिनेटली आपको यार थोड़े बहुत तो हीटिंग इशूज देखने को मिलते होंगे, क्योंकि गर्मी वगैरह भी होती है तो उसके साथ साथ जो हीटिंग इशू आते हैं और भी ज्यादा देखने को मिल जाते हैं फोन में। और अगर आपके फोन में भी कुछ इस तरह के हीटिंग इश्यूज हैं तो जो सबसे पहले ऐसी सीरीज है मैं वो आपको रिकमेंड करूंगा वो है ये कूलिंग गेम पैड। ये जो गेम पैड है इसमें आपको यहाँ पर फैन दिए गए हैं और इसमें साथ में पावर बैंक भी है, तो आप उसको एज ए इमरजेंसी यार अगर आपके गेम खेल रहे हो और थोड़ी बहुत बैटरी वगैरह कम है तो आप उसको पावर बैंक की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर दो फैन दिए गए हैं और पीछे की तरफ बटन है, एक पावर बैंक का है और एक आपका ये फैन का बटन है। एक बार मैं आपको दिखाया था, तो ये छोटे छोटे जो फैन है अगर आप बटन ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो फैन है ऑन हो जाते हैं। तो यहाँ पर 4 से 5 डिग्री के करीब आपको जो टेम्परेचर रहेगा आपका जो मोबाइल का उसको यहाँ पर कंट्रोल करेगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी एसेसरी लगी। और अगर आपने अपने फ़ोन को इसमें लगाना है तो यहाँ पर एक क्लैम्प डिज़ाइन है, अपने इस तरह से स्लाइड करके लगा सकते हो फ़ोन को। और एक चीज़ और है, यहाँ पर आपको एक ग्रिप मिल रही है, तो जो ग्रिप रहती है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है और सॉलिड रहती है और आप अपने इजी तरीके से गेम खेल सकते हो। तो काफ़ी अच्छी एसेसरी मुझे लगी। तो पहली जो एसेसरी थी वो है ये कूलिंग गेम पैड। जितने भी मैं यहाँ पर एसेसरी बताऊंगा सबके जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और भी कुछ रिकमेंडेड जो भी एसेसरीज होंगी उनके भी लिंक दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। तो पहली जो एसेसरी थी वो है कूलिंग गेम पैड। अब आते हैं सेकेंड एसेसरी की तरफ और ये है गेम सर के हैंडल ग्रिप्स। और अगर आपके फ़ोन में यार इतना का हीटिंग इशू नहीं है तो आप उसकी जगह ये भी ले सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी ठीक ठाक प्राइस है और ये कुछ दिखने में अलग लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको ऐसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये दो स्लाइडर्स हैं, इसको आप एक के बाद एक ऐसे कुछ अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ एक बार और उसके बाद अपना जो फ़ोन है इसमें आप इजीली यहाँ पर फिट लगा सकते हैं। तो ये एक एसेसरी है, अगर आपको ग्रिप चाहिए अपने फ़ोन में तो इस तरह से आपको अपना जो फ़ोन है लगाना होगा, तो काफ़ी अच्छे तरीके से लग जाएगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी एसेसरी है, यानी कि अगर आपको कोई ग्रिप चाहिए अपने फ़ोन की तो आप ये वाली एसेसरी ले सकते हैं गेम सर की तरफ से। और इसका एक यार एडवांटेज ये है कि काफ़ी कॉम्पैक्ट है, यानी कि आप इसको अगर अपने बैग में या जेब में भी डाल के रखते हो तो वो भी काफ़ी अच्छा है, और कुछ नहीं करना आपको ऐसे स्लाइड करके और इसको ऐसे रख देना है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, एकदम कॉम्पैक्ट सी बन जाती है एक ग्रिप। तो आप इसको लेना चाहते हो तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट एसेसरी की तरफ और वो यार सबको पता होगा मेरे फेवरेट्स हैं यहाँ पर कुछ ट्रिगर्स। और अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में यार गेम खेलते हैं तो ये हैं फ्लाई डिजी स्टिंगर, और ये मैं मेरे फेवरेट ट्रिगर्स में से एक है। लेकिन यार ये जो ट्रिगर्स हैं ये काफ़ी महंगे हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सारे ट्रिगर्स की वीडियो बनाई है, और उसमें से जो मेरे फेवरेट ट्रिगर्स हैं, सेकंड फेवरेट ट्रिगर्स रहेंगे जो सस्ते भी हैं, वो हैं बेसिस के ये रेड डॉट, और इसका भी मैंने गिवअवे किया है। अगर आपने जो भी गिवअवे चेक नहीं किया है जाके चेक कर लो, क्योंकि अभी भी चल रहा है, 15 दिन अभी हुए नहीं है, अभी मेरे ख्याल से 13 या 14 दिन हुए, तो एक दो दिन बचे हैं, आप जाके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये है बेसिस के रेड डॉट ट्रिगर। तो इसको एक बार ओपन कर लेते हैं और मैं आपको एक बार इसके थोड़ा बहुत भी ओवरव्यू दिखा दूँ, क्योंकि मैंने इस पर अलग से पूरी वीडियो बनाई है, वो भी अगर आपने वीडियो चेक नहीं करी है जाके चेक कर लेना। और काफ़ी अच्छे ट्रिगर्स हैं, काफ़ी मुझे सस्ते ट्रिगर लगे। उसके अलावा भी यार कुछ बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जो सस्ते भी आते हैं, आपको इस तरह के जो कुछ ट्रिगर्स मिल जाएंगे यार 100-100 रुपये के, लेकिन इनका जो एक्सपीरियंस है मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि इनसे तो शायद थोड़ा सा अवॉइड करो। अदरवाइज़ ये जो ट्रिगर्स हैं ये काफ़ी अच्छे से आप इसको यूज़ करके अपना जो गेमिंग एक्सपीरियंस है थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। तो थर्ड जो एसेसरी थी वो है ट्रिगर। तो अगली जो एसेसरीज है वो है अच्छे ईयरफोन्स, यानी कि अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि एक अच्छे ईयरफोन्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीसी की गेमिंग खेलते हैं तो यार इस तरह के हेडफोन्स जो प्रोफेशनल हेडफोन्स होते हैं वो आप यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन यार ये काफ़ी बल्की होते हैं। और अगर आप मोबाइल गेमिंग करते हैं तो मुझे लगता है यार थोड़े कॉम्पैक्ट ईयरफोन्स, इस तरह के ईयरफोन्स थोड़े से बेटर रहते हैं। तो पब्जी जैसे अगर आप गेम खेलते हैं तो आपको डेफिनेटली यार यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक तरह के ईयरफोन्स होंगे, जिससे आप इजिली यहाँ पर गन शॉट आइडेंटिफाई कर पाएँ, डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर पाएँ, साथ में आपको फुटस्टेप्स वगैरह बहुत अच्छे से पता लगे। तो उसके लिए यार आपके जो ईयरफोन की जो साउंड जो परफॉर्मेंस रहती है, फिर साउंड की जो मैं प्रोफाइल बोलूँ, तो उसमें आपके बेस यहाँ पर कम होना चाहिए और ट्रेबल थोड़ा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर ताकि आप जो फुटस्टेप हैं वो अच्छे से सुन पाएँ, बेस अगर ज़्यादा होगा, बूमी वगैरह होगा, तो आपको यार थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक बहुत सस्ते से हेडफोन्स है ये बोट के, इसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता यार पबजी के लिए, क्योंकि इसमें बेस थोड़ा ज़्यादा है और पता नहीं लग पाता। वैसे तो पता आइडेंटिफाई तो कर पाएंगे लेकिन क्रिस्प नहीं रहेंगी साउंड्स, तो वो मैं बोलूँगा बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे आप इसमें। यहाँ पर मेरे पास वन प्लस के ये बुलेट वाले भी ईयरफोन्स हैं, इसकी साउंड प्रोफाइल भी मैं बोलूँगा कि यार पबजी के लिए इतनी ज़्यादा बेटर नहीं है। यहाँ पर मुझे थोड़ी गूंजती आवाज़ लगती है, एको ज़्यादा होता है और थोड़ा हल्का फुल्का यहाँ पर बेस है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पबजी के लिए मैं यहाँ पर इसको नहीं बोलता। उसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के ईयरफोन्स आते हैं, ये जो शाओमी के ईयरफोन्स हैं
ये फिर भी मुझे थोड़े ठीक लगे, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरे को जो लगते हैं वो है यहाँ पर AKG, ये सैमसंग के ईयरफोन्स हैं। यहाँ पर थोड़े से महंगे पड़ते हैं, लेकिन जो इनकी साउंड प्रोफाइल है मुझे सबसे बेस्ट लगी अभी तक कि अगर पबजी में आप खेलते हैं एकदम फुट स्टेप बहुत अच्छे से आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, और अगर आप गन शॉट्स वगैरह की डायरेक्शंस वगैरह भी अगर आइडेंटिफाई कर नहीं पाए तो बहुत अच्छे से यार इस ईयरफोन की मदद से आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो ये जो ईयरफोन है मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा। आप अगर सैमसंग के आप फोन यूज़ करते हैं तो AKG के ये वाले ईयरफोन्स डेफिनेटली आप इसको ट्राई करें। अब आते हैं जो अगली एसेसरी की तरफ, और काफ़ी यूनिक एसेसरी है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी एसेसरी। और अगर आप अपने फोन में पबजी खेलते हैं और आपकी जो बैटरी है थोड़ी लो हो जाती है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर केबल लगाता हूँ और खेलता हूँ, तो यार ये जो केबल है कई बार हाथ में अड़ती है और खेलने में थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को लगता है जो नेक्स्ट एसेसरी है वो काफ़ी अच्छी खासी है, और वो है ये चार्जिंग केबल। तो ये चार्जिंग केबल के ऊपर मैंने अभी आज इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी, कई लोगों ने गेस किया था कि ये शायद ट्रिगर है या फिर ये हेडफोन्स है, लेकिन ये जो है ये चार्जिंग केबल है, और स्पेसिफिकली यार ये पबजी जो खेलते हैं मेरे को लगता है उनके लिए बनाई गई है। यहाँ पर देखोगे तो ऊपर पबजी की यहाँ पर ब्रांडिंग भी है। तो इसको एक बार ओपन करते हैं, पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, यहाँ पर एकदम अलग तरह की पैकेजिंग है किसी केबल के लिए। तो ये हमारी केबल है, तो ये वाली जो केबल है ये मैंने USB-C मंगाई थी, मेरे पास POCO F1 है तो उसमें USB-C वाला पोर्ट है। अगर आपके पास micro USB वाला पोर्ट है तो आप उसकी जो केबल है मंगा सकते हैं अलग से, और केबल एकदम फ्लैट केबल है तो टैंगल फ्री केबल होगी। तो अगर आप इस केबल को अपने पोर्ट में यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर जो मेन अच्छी चीज़ है वो यहाँ पर ये बेंड होकर पीछे की तरफ यहाँ पर अपने फ़ोन के चिपक जाएगी, सक्शन जैसे यहाँ पर मैकेनिज्म है। अब जो केबल है वो आपके फ़ोन के पीछे की तरफ से यहाँ से जाएगी, यानी कि आपके जो खेल रहे होगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, यहाँ पर किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं लगेगी और फोन भी चार्ज होता रहेगा। तो आपकी बैक अगर प्लास्टिक की है, ग्लास की है, तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगा और काफ़ी सिक्योर भी है। अगर आप देखोगे तो मैं बिल्कुल इसको इस तरह से लटका भी रहा हूं, और साथ में अगर मैं खींच रहा हूं तो कहीं जाने वाला नहीं है। तो अगर आप पबजी खेलते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये वाली जो केबल है डेफिनेटली ले लेनी चाहिए। इसका भी मैं लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये तो यार पांच एसेसरी जो पबजी मोबाइल में मुझे लगता है काफ़ी अच्छी आपके हेल्प कर सकती हैं गेम प्ले को बेटर करने में, थोड़ा एक्सपीरियंस बेटर करने में। अगर आप पबजी मोबाइल के अलावा कोई और भी गेम खेलते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप ये जो एसेसरीज हैं यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको यार एसेसरीज अच्छी लगे, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। साथ में आपको हमारा ये चैनल पसंद है, आप चाहते हैं यार मैं इस तरह की और वीडियोज लेके आऊँ, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और